नवी मुंबई में उमड़ा निरंकारी भक्तों का जन सैलाब। खारघर में हुआ एक दिवसीय संत समागम का भव्य समारोह। निरंकारी मिशन की आध्यात्मिक प्रमुख निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी अभी महाराष्ट्र के आध्यात्मिक कल्याण यात्रा पर हैं। आज रविवार शाम नवी मुंबई के खारघर में सिडको मैदान में एक दिवसीय निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में नवी मुंबई सहित मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। इस समय सदगुरु के दिव्य दर्शन लेकर भक्तगणों के चेहरे पर आनंद साफ झलक रहा था। इस संत समागम में सर्वव्यापी निरंकार भगवान की प्राप्ति और मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को अपनाकर एक सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सदगुरु माता जी ने अपने दिव्य वाणी से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। उपस्थित विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जब निरंकार ईश्वर को जान लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन घटित होता रहता है, जिससे वह हर घट में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। उसे हर कोई अपना लगने लगता है। उसके मन में परोपकार का भाव उत्पन्न होता है। माता जी ने आगे कहा कि भौतिक उपलब्धि केवल गुजरान के लिए होती है, मनुष्य जीवन का वह उद्देश्य नहीं है। सारे धर्म ग्रंथों में ईश्वर को जानकर प्रेममय जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। ऐसा सुंदर जीवन हर किसी को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं अंत में सदगुरु माता जी ने व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, सेवन एस्टल, नवी मुंबई।